समाचार बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। गुरुपर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर धरने पर बैठी महिला किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान अभी सिर्फ आदिकोशी है। जब तक लिखित में कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे और बॉर्डर से नहीं हटेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान आंदोलन फौरन नहीं खत्म होगा। संसद में तीनों कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद ही किसान मोर्चे से हटेंगे। रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर तीनों मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़ा दी है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए कीवी टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स 34 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत की ओर से डेब्यू कर रहे हर्षल पटेल ने 2 विकेट लिए। गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की है। इस पत्र को 3 मंत्रियों का इस्तीफा ही माना जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पहुंचते ही 3 मंत्रियों के इस्तीफे देने की जानकारी दी है। राजस्थान में कोरोना के 9 केस सामने आए थे। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। सबसे ज्यादा 3 मामले राजधानी जयपुर में मिले हैं। दीपावली के पहले राजस्थान में एक्टिव केसेस की संख्या बिहार, एमपी, यूपी जैसे बड़े राज्यों से कम थी, लेकिन अब इन राज्यों से भी ज्यादा हो गई है। राज्य में बढ़ते एक्टिव केसेस को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पॉजिटिव मिलने वाले व्यक्तियों के कंटेक्ट ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की भी निर्देश दिए हैं। जालौर के सांचौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आदर्श विद्या मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई है। कार्यक्रम की शुरुआत खंड प्रचारक पांचाराम ने की है। जिला संयोजक छगन लाल माली ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने वाली झांसी की रानी के बलिदान को याद किया गया है, साथ ही आज के दौर में महिला को सशक्त बनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। रावला मंडी में गुरुद्वारे में सभा के दौरान सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया। गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में कीर्तन दीवान सजाया गया। गुरुद्वारे के हुजूरी रागी ने गुरु महिमा का भी गान किया। सुबह से ही पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने जहां व्यवसाय संभाली, वहीं लंगर से लेकर पंगत में तक श्रद्धालुओं के बैठने तक में सेवादारों का सहयोग रहा। इस मौके पर रावला गांव 10 KD के इंटरनेशनल वॉलीबॉल के खिलाड़ी 3 छात्रा किरणदीप कौर, रेखा रानी व रमनदीप कौर भी स्वरूपा भेंट कर सिंह साहब के द्वारा सम्मानित किया गया। शोपुरा कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत रामसरा जाखड़ में सरपंच आरती जाखड़ के पति विनोद जाखड़ पर पंचायत कर्मियों ने राजस्व एवं राजकार्य के अंदर बाधा डालने व परेशान करने का आरोप लगाया है। इस बारे में कर्मियों ने उपखंड अधिकारी BDO तथा सदर थाने में इस आशय पर पत्र दिया है। पंचायत सहायक चंद्रकला ने सौंपे पत्र में लिखा है कि सरपंच पति पंचायत कार्यों में अपनी राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनके तबादले की धमकी देता है तथा ड्यूटी के दौरान शोपुरा कस्बे में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ में ग्रामीण व शहरी गुरुद्वारों में मनाया गया है। गुरुद्वारों को रंग बिरंगी विद्युत लड़ियों से भी सजाया गया था।
जोधपुर के मधानिया के अंदर ग्राम पंचायत चौपासनी चारांड में प्रशासन गांव के संग अभियान में आमजन की समस्याओं का समाधान किया गया। सरकार की योजनाओं से वंचित परिवारों को लाभान्वित करवाए गए, जिसमें शिविर प्रभारी अनिल जैन, तीवरी तहसीलदार आदित्य मेहरा, विकास अधिकारी रजनीश टांक, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मगराज कटारिया, सहायक अभियंता अटल मीणा, महिला एवं बाल विकास की बिजनौर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर डीएम उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने विटोर कुटी गंगा घाट पहुंचकर पहले तो शहीदों के नाम दीपदान किया और उसके बाद में आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर लाखों की संख्या में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु गंगा क्षेत्र पहुंच चुके हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। गंगा स्नान को लेकर डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान में शामिल हो रहे हैं। जनपद कासगंज के तहसील पटियाली क्षेत्र के अंदर कादरगंज गंगा घाट पर मिनी कुंभ ककोड़ा मेला सज गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप व जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। वहीं आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमासी पर लगने वाले ककोड़ा मेले का शुभारंभ होने के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्रा, नगर चेयरमैन गंज टुटवाड़ा संजीव महाजन, जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप व प्रतिनिधि वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप ने बताया कि श्रद्धालुओं के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन मेले मजिस्ट्रेट तथा पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। नरसिंहपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर कोड़ा गांव की रहने वाली संगीता की शादी पास के ही ग्वारी गांव के संतोष से हुई थी। संगीता की शादी के बाद उसका एक बेटा भी हुआ और पर उसने अपने मायके में हुई मोहब्बत वो भुला नहीं पाई थी। इसी चाहत के हसरत ने ऐसी साजिश रच डाली, जिसमें प्रेमी के साथ में मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की ठान ली और फिर उसके बाद में प्रेमिका के इशारे पर प्रेमी संतोष ने संगीता के प्रेमी संतोष को मारने की साजिश कर डाली। अब इस सारे मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने प्रेमिका सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कॉल डिटेल के आधार पर गुनाह की खुलती परतों ने साबित कर दिया है कि बचपन में प्यार को भूल न पाने और शादी के बाद उसे पाने की हसरत कैसे संगीन गुनाह तक ले जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपी के न्यूज़। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री